So now, students, let us try to discuss the last topic of this course, that is database triggers. So basically, triggers kya cheez hai, ye ab discuss karte hain. Ye bahut interesting concept hai, and this is specific to database only. Matlab aap isko C language mein, you won't find it, Java mein you won't find it, lekin ye database ke andar trigger ki bahut importance hai. Ya triggers ko aap yun bhi keh sakte hain ki it is a sort of event. Yani Java mein agar, for example, agar aapne GUI based programming करनी है, event driven programming करनी है, तो event के equivalent databases के अंदर जो concept है, that is a trigger. अब trigger का concept basically ये है कि अभी तक हमने जितने भी database के object देखे हैं, यानी table देखा है, procedure देखा है, function देखा है, constraint देखी है, ये basically हमें इसको explicitly call करना पड़ता, लेकिन जो trigger है, वो वाहिद database का object है जिसको हमें कॉल नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, या यूं कहें कि इट गॉट ऑटोमेटिकली फायर्ड. यानी एक ट्रिगर हम बनाते हैं, यानी ट्रिगर एक ऐसी चीज है जो अंडरलाइंग डीएमएल स्टेटमेंट, यानी इंसर्ट, अपडेट और डिलीट के साथ अपने आप को एसोसिएट कर लेता है. एक ऐसा कंस्ट्रक्ट है, और ये कंस्ट्रक्ट ऑटोमेटिकली उस वक्त फायर हो जाता है, उस वक्त ये कॉल हो जाता है जब भी अंडरलाइंग DML execute होती है. Now this is a very very interesting concept कि whenever you attach any DML or update or delete with a trigger name, तो जब भी वो for example किसी table के ऊपर आपने ये trigger लगा दिया कि इस table के अंदर for example जब भी insertion होगी, जब भी कोई नई row add होगी, तो you need to check something, for example कोई constraint check करनी है, you need to do some checks before doing an insertion. अब ये काम हम लोग function या procedure में नहीं कर सकते, क्योंकि function और procedure में अगर ये काम करना है तो ideally you should be able to do it, but it will kill the essence. यानी जो उसकी boundary है, जो उसकी essence है, it will kill. क्योंकि जो function और procedures हैं, these are created for a specific task. जो trigger है, ये basically आपके लिए sort of a quality check भी कर देता है कि before you proceed or after you are done with एनी डी एम एल, ये सॉर्ट ऑफ आपके पास एडिशनल चेक है जो कि ऑटोमेटिकली फायर हो जाएगा टू क्लीन द कोड फॉर एग्जाम्पल, और टू डू सर्टन चेक्स, और टू क्लीन अप सर्टन थिंग्स फ्रॉम अ डेटाबेस जब भी कोई अंडरलाइंग डी एम एल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है. सो टू स्टार्ट विद, जो ट्रिगर है ये एक ऐसा डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है जो अपने आप को अंडरलाइंग टेबल के साथ एसोसिएट कर लेता है, या टेबल की किसी एक या एक से ज्यादा DML स्टेटमेंट के साथ अपने आप को अटैच कर लेता है, या ऑपरेशन के साथ अटैच कर लेता है. जब भी वो अंडरलाइंग DML उस पर्टिकुलर टेबल के ऊपर एग्जीक्यूट होती है, तो जो भी लाइन ऑफ कोड आपने ट्रिगर के अंदर लिखा होता है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है, यानी ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है. यू डोंट नीड टू कॉल अंडरलाइंग ट्रिगर बाय मेकिंग अ एक्सप्लिसिट कॉल. आपको कॉल नहीं करना पड़ता, जस्ट लाइक यू वी डिड इन फंक्शन, जस्ट लाइक वी डिड इन प्रोसीजर. ट्रिगर जो है इसमें आपको कॉल नहीं करना पड़ता अंडरलाइन ट्रिगर को, एंड दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन ट्रिगर एंड प्रोसीजर, या यूं कह लें ट्रिगर एंड सब प्रोग्राम. और सब प्रोग्राम में हम प्रोसीजर और फंक्शन दोनों को काउंट कर रहे हैं. सो ये वाहिद डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है जिसके लिए आपको उस डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को कॉल नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपने उसको एक और डेटाबेस का ऑब्जेक्ट जो कि टेबल है उसके साथ उसको एसोसिएट कर दिया. सो वेन एवर यू हैव ऑपरेशन ऑन टेबल, आपका अंडरलाइन जो ट्रिगर है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है. यानी आप एक ट्रिगर को इंसर्ट या अपडेट या डिलीट के साथ अटैच कर सकते हैं, यानी इंसर्ट अब एक से ज्यादा ऑपरेशन के साथ भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन अंडरलाइन टेबल एक ही होगा. यानी आप ऐसा तो कर सकते हैं कि आप ये कहें कि फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयर टेबल में जब भी इंसर्ट या अपडेट हो तो ट्रिगर एग्जीक्यूट हो जाए, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आपने एक ट्रिगर बना दिया और आपने कहा ये ट्रिगर उस वक्त भी चले जब एम्प्लॉयर टेबल में इंसर्शन हो या डिपार्टमेंट टेबल में डिलीशन हो, ऐसा नहीं हो सकता. तो ट्रिगर इज बेसिकली ऑन द बेस इज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल टेबल. ऑपरेशन मल्टीपल हो सकते हैं इंसर्ट या डिलीट, लेकिन टेबल मल्टीपल नहीं हो सकते. और जब भी उस अंडरलाइंग टेबल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा जिसकी बेसिस के ऊपर हमने ट्रिगर बनाया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली जो ट्रिगर के अंदर का कोड है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, या यूं कहें इट विल ऑटोमेटिकली गेट एग्जीक्यूटेड.
और ये डेटाबेस का ऑब्जेक्ट भी है, मतलब इससे रिलेटेड डेटा डिक्शनरी सिस्टम अपने पास मेंटेन करता है और उस डेटा डिक्शनरी का नाम है यूजर अंडरस्कोर ट्रिगर्स।